नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं और दिखाते हैं किस तरह से 2024 में होने वाला है एनडीए बनाम इंडिया। लोकसभा चुनावों से पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो बैठकों और खेमेबंदी में जुट गए हैं। आज बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की दो दिन की चली बैठक समाप्त हुई। अपने गुट को इन्होंने नाम दिया है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में 38 राजनीतिक दलों की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने उन दलों का गर्मजोशी से स्वागत किया जो एनडीए छोड़कर चले गए थे और अब एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। और अब आइए बात करते हैं ताजमहल की। उत्तर प्रदेश के आगरा में लगातार भारी बारिश जारी है जिसकी वजह से ताजमहल तक पानी जा पहुंचा है। करीब 45 साल के बाद ऐसी नौबत आई है कि यमुना के पानी ने ताजमहल की बाउंड्री को प्रभावित किया हो। बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और चिंता की बात यह है कि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब अगली खबर राजस्थान से, जहां भीड़ भरी एक बस में फायरिंग का वीडियो सामने आया है। कई हमलावरों द्वारा बारी बारी से एक गैंगस्टर और उसके साथी को गोलियों से भूनने का ये वीडियो है। घटना के बाद 6 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की गई है। ये वारदात 12 जुलाई की है जब गैंगस्टर कुलदीप सिंह की बस में गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। बस में पुलिसकर्मी फायरिंग के दौरान शांत बैठे भी नजर आ रहे हैं। 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 2 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। अब जो नियमित जमानत पर सुनवाई है वो 20 जुलाई को होगी। मंगलवार को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। पेश होते ही कोर्ट में उन्होंने जमानत अर्जी लगाई। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए चार्जशीट पेश की गई है और वो किसी गवाह से नहीं मिले हैं। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी बृजभूषण और सह आरोपी विनोद तोमर को 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। जज साहब ने मुलजिम के पेशी की तारीख लगाई थी और वो कोर्ट के आदेश के अनुसार आज पेश हुए। उनके अधिवक्ता महोदय ने आज बेल की अप्लीकेशन लगाई जिसपे जज साहब ने 25,000 के मुचलके के साथ परसों तक की अंतरिम जमानत दी है और उनको जिस आधार पे हम उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं वो सारे कागजात पुलिस ने उनको दे दिया। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण और विनोद तोमर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो इसलिए वो लगातार कई हफ्ते अनशन पर भी बैठे। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को केस दर्ज करने के बाद 15 जून को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बृजभूषण और विनोद तोमर को समन जारी करते हुए 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था। अब 20 जुलाई को कोर्ट रेगुलर बेल पर सुनवाई करेगा, दोनों पक्षों की बहस सुनेगा और बहस सुनने के बाद ये तय करेगा कि आरोपी को रेगुलर बेल दी जाए या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और भाई मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की बात करते हैं जहां 8 चीतों की मौत हो गई है। कुछ विशेषज्ञ इन मौतों की वजह जानवरों को दिए गए घटिया रेडियो कॉलर बता रहे हैं, लेकिन सरकार बिना वैज्ञानिक सबूत के इन्हें अटकलें और अफवाह बताकर नकारती रही है। हालांकि एनडीटीवी का एक फुटेज हम आपको दिखाते हैं जिसमें मृत चीते के कॉलर को जांचते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। कूनो में नर चीते सूरज के रेडियो कॉलर को हटाने पर उसके गर्दन के नीचे संक्रमण फैला हुआ था। गहरे घाव में कीड़े भरे हुए थे। सूरज 8वां चीता है जिसकी कूनो में मौत हुई। कूनो के सभी चीतों के पास अफ्रीकी वन्यजीव ट्रैकिंग रेडियो कॉलर है। हालांकि कई विशेषज्ञ अब इस कॉलर में लगे बेल्ट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पन्ना को बाघों से आबाद करने वाले श्रीनिवास मूर्ति भी। हम लोगों की ऑब्जर्वेशन का जो रेजिम है दैट वाज क्वाइट टाइट, लिटरली 24/7 का मतलब 24/7। अब यहाँ का इनसाइड मतलब मैकेनिज्म रूटीन लोगों ने क्या बनाया आई डोंट नो एनीथिंग। यदि वो कॉलर सिंथेटिक है इमीडिएटली दे नीड टू बी रिप्लेस्ड। ओके, क्योंकि सिंथेटिक जैसा आप भी बेल्ट पहनते हो ना सिंथेटिक का, कोई भी घर में सिंथेटिक होता है, प्लास्टिक बेसिकली पॉलीमर है वो। इनिशियली इट मे बी सॉफ्ट,
बट विद द टाइम उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो टाइट हो जाता है. बट इन केस इट इज अ लेदर देन लेदर विल स्टार्ट अब्सॉर्ब सोकिंग द वाटर एंड देन स्टार्ट मतलब उसकी इलास्टिसिटी मतलब बढ़ जाती है. ओके एंड एग्जैक्टली इट डजंट हार्म दैट मच. अच्छा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है. व्हेन इन वेट कंडीशंस सल्ट्री कंडीशंस मतलब दे विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल मतलब खुद को ही ज्यादा घाव पहुंचा घाव कर देंगे. ओके और सर कभी आपने टाइगर में भी ऐसी कोई डेथ देखी है बिकॉज ऑफ रेडियो कॉलर? हमने मैगट्स देखा है लेकिन हम डेथ होने नहीं दिया. एक सूत्र के मुताबिक सूरज की मौत के बाद एक और चीते पवन को बेहोश करके उसका रेडियो कॉलर निकाला गया क्योंकि उसके रेडियो कॉलर के नीचे मक्खियों ने अंडे देना शुरू कर दिया था और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कीड़े और मक्खियों से पवन की भी मौत हो सकती थी. हालांकि एनटीसीए ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा है मीडिया में ऐसी रिपोर्टें हैं जिनमें चीतों की मौत के लिए उनके रेडियो कॉलर आदि सहित अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है. ऐसी रिपोर्टें किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है बल्कि अटकलें और अफवाहें हैं. इन सवालों के बीच सरकार ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जयेश चौहान का तबादला कर दिया जबकि कॉलर का मुद्दा भी हल नहीं हुआ है. चौहान ने ही कुछ दिनों पहले चीतों को कहीं और बसाने का भी सुझाव दिया था. हमारे जो सभी चीता जो अभी तक आए हैं दो फेजेस में वो सब कूनों में हैं और अभी द करंट सिचुएशन इज लाइक से हैविंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो आपको ये जरूरी है कि चीता के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए आपको जोग्राफिकली सेपरेटेड लैंडस्केप में आपको उनको रखना जरूरी है सो दैट इट एक्चुअली वर्क्स एज एन इंश्योरेंस. 27 मार्च को साशा नाम की मादा चीता की किडनी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई. 23 अप्रैल को उदय की, 9 मई को दक्षा की मौत हुई. 23 से 25 मई के बीच कूनों में जन्मे 3 शावकों की मौत हो गई. 11 जुलाई को एक और नरचीता तेजस मृत पाया गया था. अब कूनों में केवल 15 चीते हैं जिनमें 11 खुले जंगलों में और एक शावक सहित 4 चीते बाड़ों में हैं. भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया. ग्रेटर नोएडा के सचिन की मोहब्बत में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. यूपी एटीएस ने मंगलवार को भी सचिन और सीमा से अलग अलग पूछताछ की और बताया जा रहा है कि पूछताछ में कुछ नई बातें निकलकर सामने आई हैं. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए. पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदा था. मंगलवार को पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी एटीएस को मोबाइल खरीदने की जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक अब तक पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां मिली. पाकिस्तानी फौज में तैनात सीमा हैदर के चाचा और भाई के बारे में सवाल जवाब हुए. सीमा ने भाई और चाचा से किसी भी तरह की बातचीत को नकारा. सीमा ने 3 देशों की सरहद पार कर 13 मई को भारत में घुसपैठ की थी. सीमा ने नेपाल भारत सरहद पर जांच के दौरान खुद को भारतीय नागरिक बताया था. तब सीमा ने जांच के दौरान कहा कि उसका आधार कार्ड खो गया है. सीमा हैदर ने जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए 4 मासूम बच्चों को आगे कर दिया था. सीमा ने भारत आने से पहले 12 लाख में अपना एक मकान बेचा था. सीमा से ये भी पूछा गया कि उसने भारतीय और खासकर हिंदू तौर तरीके कैसे सीखे. सीमा और सचिन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई. सीमा ने ये भी बताया कि वो पबजी खेलने के दौरान कुछ और भारतीय लड़कों के संपर्क में आई थी. 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक फोन आया था जिसमें सीमा हैदर के पाकिस्तान नहीं लौटने पर 26/11 जैसे आतंकी हमले की चेतावनी दी गई. इस धमकी भरे कॉल की जाँच मुंबई पुलिस कर रही है. सीमा ने पूछताछ में बताया था कि पहले सचिन पाकिस्तान आना चाहता था लेकिन उसके हाथ पर ओम गुदा होने से सीमा ने उसे रोक दिया था. एटीएस सीमा और सचिन से पूछताछ कर संकेत देना चाहती है कि इस मामले में ढिलाई नहीं बरती जा रही. नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया. और बीजेपी नेता किरीट सोमैया का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है. महाराष्ट्र विधान परिषद में इसको लेकर हंगामा भी हुआ. गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच का आश्वासन सदन को दिया. है
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की मुसीबत बन गया है। शिवसेना उद्धव गुट ने किरीट सोमैया के खिलाफ मुंबई में जगह जगह प्रदर्शन किए। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। जो वीडियो बाहर आया है वो वीडियो को लेकर जो महिलाएं तकलीफ में आई है उन महिलाओं को सरकार मदद करने वाला है या नहीं करने वाला है, सुमोटो सरकार खुद होकर उन महिलाओं का प्रोटेक्शन और उन पत्रकारों का और चैनलों का प्रोटेक्शन सरकार करने वाली है या नहीं करने वाली है। वीडियो वायरल होने के बाद किरीट सोमैया ने अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधान परिषद में भी हंगामा हुआ। या पेनरावच्या माध्यमातून राज्य सरकारला निर्देश द्या। विपक्ष ने मामले की जांच और किरीट सोमैया को दी गई सुरक्षा हटाने की मांग की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच किए जाने का आश्वासन दिया। आपल्याकडे काही तक्रारी असतील तर त्या देखील द्या, त्याची चौकशी आम्ही करू। अगर विपक्ष में बैठे लोगों के पास कोई सबूत है तो वो हमें सौंपे, हम इसकी जांच करेंगे। इस मामले की गहरी जांच की जाएगी, जो सही है उसे सामने लाया जाएगा। इस मामले में जो भी महिला है उनके आइडेंटिटी को भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। कौन महिला है आपण असं विचारलं ती आइडेंटिटी सांगता येत नाही। 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के बाद से ही किरीट सोमैया कई विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं और उनमें से कई अब मौजूदा सरकार में शामिल भी हैं। विपक्ष पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, यहाँ पे सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला रफा तफा किए जाने की कोशिश हो। इसकी जांच सही ढंग से होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। किरीट सोमैया से जुड़ा हुआ ये वीडियो उनके निजी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि अब तक किरीट सोमैया विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर नैतिकता की बात करते नजर आए हैं और उन पर आक्रामक रहे हैं, और अब जब ये वीडियो सामने आया है विपक्षी नेता किरीट सोमैया को लेकर आक्रामक हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अडानी ग्रुप की एजीएम आयोजित की गई जिसे खुद चेयरमैन गौतम अडानी ने संबोधित किया। इस मौके पर गौतम अडानी ने कहा कि भारत 2050 तक 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की राह पर है। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि अडानी ग्रुप का बैलेंस शीट, संपत्ति और कैश फ्लो पहले से और अधिक मजबूत हुआ है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक झूठ और टारगेट कर बदनाम करने की साजिश थी। जिस दिन सेंसेक्स ने पहली बार 67,000 का जो लेवल है उसे पार किया और निफ्टी ने 19,800 का लेवल, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो भी काफी ऊपर गए। ये तब गए ऊपर जब गौतम अडानी ने कहा कि इंडिया जो है अब 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है बन सकती है 2050 तक। विद इन द नेक्स्ट डिकेड इंडिया विल स्टार्ट एडिंग अ ट्रिलियन डॉलर टू इट्स जीडीपी every 18 months. This puts us on track to be a 25 to 30 trillion dollar economy by 2050 and will drive India's stock market capitalization to over 40 trillion dollars, approximately a 10x expansion from the current levels. I anticipate that within the next decade, India will start adding a trillion dollar to its GDP every 18 months. अडानी ग्रुप की एनुअल जनरल मीटिंग में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और कुल आमदनी 85% और टैक्स देने के बाद मुनाफा 82% बढ़ गया। समूह की बैलेंस शीट, परिसंपत्तियां और नकदी का प्रवाह मजबूत हो रहा है और पहले से ज्यादा बढ़िया है। To consolidate what it has built while looking at expanding its horizons. The Adani Group is set to play a critical role in India's net zero journey.
गौतम अडानी ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट निशाना बनाकर बदनाम करने की कोशिश और झूठी जानकारियों का मेल था। उन्होंने ये भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को नियामक के स्तर पर कोई चूक नहीं मिली। द रिपोर्ट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसक्रेडिटेड एलिगेशंस। द मेजोरिटी ऑफ देम dating from 2004 to 2015. They were all settled by appropriate authorities at that time. While SEBI is still to submit its report, we remain confident of our governance and disclosure standards. अडानी समूह के प्रमुख ने पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से लचीलेपन को समूह की एक खासियत के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जबकि दुनिया जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भी विशेषज्ञों की नजर में भारत की अर्थव्यवस्था का कल उज्जवल है। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।